हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी जंगल देखा है? अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत हेल्दी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। तो कोई केयर करने वाला नहीं होता है, ना कोई एनपीके देता है, ना कोई खाद देता है, फिर भी इतने हेल्दी प्लांट्स होते हैं। वो कैसे? तो जो पत्ते होते हैं जो ट्री से गिरते हैं, वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उससे वो ग्रोथ करते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लीफ कंपोस्ट कहते हैं उसे, जो कि धीरे धीरे कंपोस्ट होती है और प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या हम लीफ कंपोस्ट घर पर बना सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, हम लीफ कंपोस्ट बहुत इजीली घर पर बना सकते हैं। लीफ कंपोस्ट जो होती है वो हम सॉइल में यूज़ करेंगे, तो जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट बनती है, एकदम लूज सॉइल होती है। लीफ कंपोस्ट को हम सीड उगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हम सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट का नुकसान नहीं होता, जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट हम अकेले यूज़ नहीं करते, हम सॉइल के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन हम लीफ कंपोस्ट को सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं करती है। लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए लीफ। आप देख सकते हो, ये मैंने अपने प्लांट्स की प्रूनिंग की थी तो मुझे इतने सारे लीव्स मिले हैं। प्लांट की प्रूनिंग सही मौसम में करनी चाहिए, जब उसका समय हो तभी करनी चाहिए। डोरमेंसी पीरियड में प्लांट्स को छेड़ना नहीं चाहिए। बारिश के मौसम में, या आप देख सकते हो पतझड़ के मौसम में, बहुत सारे लीव्स गिरे होते हैं, आप उसको उठा के घर पर लाके ऐसे कंपोस्ट रेडी कर सकते हो। कंपोस्ट में हमें सिर्फ लीव्स लेने हैं, क्योंकि हम लीफ कंपोस्ट बनाएंगे। किचन वेस्ट कंपोस्ट जो होती है वो अलग होती है, हमें इसमें किचन का कोई भी वेस्ट नहीं डालना है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ लीव्स रखे हैं, ये मेरे अपने प्लांट्स में से ही निकले हुए हैं। इसमें है भिंडी के लीव्स है, बैंगन के लीव्स है, और बहुत सारे लीव्स है, करेले है, स्वीट पोटैटो वाइन है। आपको अच्छी खाद बनानी है तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के आप लीव्स ले सकते हो, जिससे बहुत अच्छी खाद बनेगी। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो बेहतर है उसके ही लीव्स ले। बाकी का हम कह नहीं सकते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, तो हम इसमें ये सब यूज़ करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ये मटका लिया है, आप मटका या प्लास्टिक का कोई बकेट यूज़ कर सकते हो, मेटल का ना यूज़ करें। सबसे पहले करना क्या है, तो ये जो लीव्स है उसकी 6 से 7 इंच लेयर बना लेनी है। उसके बाद 1 इंच लेयर आपको ग्रास की करनी है, जो कि नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है, या तो आप ऐसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग का भी यूज़ कर सकते हो। इसका रीज़न यही है कि हमें 1 इंच लेयर नाइट्रोजन की करनी है। आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो इसमें, जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स हो, क्योंकि ये बिना खाद के ये अच्छी खाद नहीं बनेगी। हम जब इसमें ये खाद वगैरह ऐड करेंगे, नाइट्रोजन का सोर्स ऐड करेंगे, तो इसमें सूक्ष्म जीव पैदा होंगे जो कि इसको अच्छे से डिकम्पोज करेंगे। और 1 इंच लेयर हमें सॉइल की बनानी है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अब करके बताऊंगी कि कैसे करना है। ये पत्ते सब पहले इसमें डाल लेने हैं, ये देख सकते हो इसमें डंठल भी है, तो डंठल नहीं डालना है, वो डिकम्पोज होने में टाइम लेगा। हम पत्तों की खाद बना रहे हैं तो हम पत्ते ही डालेंगे। विंटर में जो वेजिटेबल्स आते हैं, मेथी, धनिया, पालक, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे जल्दी खाद तैयार होगी हमारी लीफ कंपोस्ट, तो आप विंटर में ज़रूर बनाएं। इसके बाद हमें एक लेयर सॉइल की करनी है,
ये रही सॉइल, ज़्यादा ना डाले, लीफ कंपोस्ट बना रहे तो लीफ कंपोस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ये ग्रास डालेंगे हम, मैं इसमें वर्मी खाद भी ऐड करूँगी। इसे पानी डाल के मॉइस्ट करना है, मॉइस्ट करने के बाद इसको ढककर शेड में रख देना है और इसे हर 2 से 3 हफ्ते बाद इसको ऊपर नीचे करना है और फिर से वही सेम रिपीट करना है, पहले पत्ते, फिर सॉइल और फिर खाद। खाद में आप गावडंग भी ले सकते हो, मेरे पास अभी गावडंग नहीं है तो मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप सिर्फ ग्रास का यूज़ कर सकते हो जो कि एक अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। जल्दी खाद बनानी है तो आप इसको मशीन में कुतर भी सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। हमेशा मॉइस्ट रखना है, ड्राई ना होने दे, मॉइस्ट रखोगे तो खाद भी जल्दी बनेगी। पानी से मॉइस्ट कर सकते हो या इसको आप लिक्विड कोई फर्टिलाइज़र भी ऐड करके मॉइस्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक है तो जो आप चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने कहा कि लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। आप जब लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर डाल रहे हो तो फिर आप ये वर्मी खाद ना डालें तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा खाद नहीं डालनी। मेरे पास अभी ज़्यादा लीफ अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने सिर्फ ये डेमो बताया है। राइट वे तो यही है कि 6 से 7 इंच की लेयर आप बना ले लीफ की, उसके बाद 1 इंच लेयर सॉइल की और उसके बाद 1 इंच खाद की लेयर बनाए। खाद में अगर आपके पास लिक्विड खाद है तो आप 1 डब्बा वो भी डाल सकते हो, तब आप ये वर्मी खाद ना डालें जो कि पाउडर फॉर्म में है। पानी से ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगी और जल्दी बनेगी। आप इसमें लीव्स वगैरह डाल रहे हो वो आप ध्यान रखें कि इन्फेक्शन ना हो उसमें, हेल्दी हो तभी इसमें ऐड करें तो एक अच्छी खाद रेडी होगी। टोकरी से भी कवर कर सकते हो या किसी कॉटन के कपड़े से भी कवर कर सकते हो, जिससे हवा का आना जाना रहेगा और ये अच्छे से खाद बन जाएगी। पत्ते सॉफ्ट हो गए तो ये 2 मंथ में भी रेडी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ में ये अच्छी खाद बन जाएगी। वैसे भी खाद जितनी पुरानी होती है उतनी बढ़िया होती है, तो आप ऐसे ही पत्ते डालते रहे, आपको एक बढ़िया खाद मिल जाएगी। सब देख सकते हो ये हमारी पानी की टंकी थी जिसमें कि मैं अपने सारे प्लांट्स के लीव्स डाल देती हूँ, तो यहाँ पे एक बढ़िया खाद रेडी हो गई है। हालाँकि जो ऊपर लीव्स है वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं लेकिन नीचे मुझे एक बढ़िया खाद रेडी मिलेगी, तो मैं इसको निकालूंगी और इसे छान के यूज़ करना है। जो पत्ते डिकम्पोज नहीं हुए हैं वो मैं फिर से इसमें डाल दूंगी और जो डिकम्पोज हो गए उसको मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने कंपोस्ट टंकी से बाहर निकाल ली और ये सन में ड्राई करने रखी है। ड्राई करने के बाद आपको ये जैसे छन्नी दिख रही है उसे छान लेना है। छानने के बाद ये पत्ते अलग हो जाएंगे जो कि डिकम्पोज नहीं हुए होंगे। वो डिकम्पोज इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप ये देख सकते हो जहाँ पे मेरी टंकी है वहाँ पे ये अमरूद का ट्री है जो कि इसके पत्ते अंदर गिरते रहते हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं हुए क्योंकि वो फ्रेश थे, न्यूली गिरे थे, और जो पुराने थे वो डिकम्पोज हो चुके हैं, तो उससे मुझे एक बढ़िया लीफ कंपोस्ट मिली है। आप ये देख सकते हो ये मेरी लीफ कंपोस्ट है जो कि काफ़ी अर्दी है और सॉफ्ट है। अभी तो ये इतनी बाकी है, ये इतने से पत्ते निकले हैं और उसमें से ये लीफ कंपोस्ट बनी है। इसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे जिससे सॉइल तो सॉफ्ट बनेगी ही लेकिन हमारे जो प्लांट्स होंगे वो भी हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आप भी बनाएं लीफ कंपोस्ट और अपने प्लांट्स में यूज़ करें
आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर ले तो ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और आप उसको देखकर आप भी ऐसे लीफ कंपोस्ट घर पर बना सकोगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट घर पर बना सकोगे। ये आप देख सकते हो, ये मैंने कोकोपीट बनाई थी घर पर, जो कि अब रेडी टू यूज़ है। ये मार्केट वाली है, मार्केट वाली से भी बेहतर घर पर एक कोकोपीट अच्छी बन गई है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो भी देख लेना और आप भी घर पर कोकोपीट बनाना। बाय बाय फ्रेंड्स।